पन्ना जिले में एक बार फिर SW24 न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया है। चैनल द्वारा दो दिन पहले वन रक्षक प्रेम नारायण वर्मा के गो तस्करी, उत्खनन और जंगल कटाई की खबर लगाई थी, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। ऑडियो वायरल होते ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में सबसे बड़ा कदम उठाया। वन रक्षक अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए प्रेम नारायण वर्मा को निलंबित कर दिया है। अब आगे क्या होगा यह देखना है। जो वायरल ऑडियो था उसमें 5,000 किसी साहब को देने की बात की गई थी, पर अब क्या उस साहब पर कार्यवाही होगी? देखना यह है कि आखिर वो साहब कौन है जो गोश्त तस्करी में शामिल है। क्या अब आगे खुलासा होगा या जो भी हो गोश्त तस्कर हैं उन पर क्या कुछ कार्यवाही हो सकती है? अब उन साहब पर भी कार्यवाही होगी या फिर संरक्षण आगे बढ़ता देखा जाएगा। SW24 न्यूज़ चैनल इस पूरे मामले में और सनसनीखेज खबरों के साथ खुलासा करेगा। शाहनगर से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। सर, विज्ञापन के संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे सर? थोड़ा सा कार्रवाई पुलिस करेगी, जो भी करेगी कार्रवाई। जी जी, विज्ञापन दिया गया है। अब मैं क्या बता सकता हूँ, कितने विज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा, जो भी दोषी है कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ओके सर। जो ये अवैध रूप से गोश्त तस्करी चल रही है, ग्राम मलघन हो गया, महेवा हो गया, अपना यहाँ संतरा हो गया, कोरी हो गया, इसको रोकने के लिए और इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड क्या नाम है प्रेम नारायण, प्रेम नारायण के, उसमें जो ये गोश्त तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए और एवं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है, ताकि उसको उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो क्या मामला है, क्यों थाने आए हो, क्या वजह है? प्रेम नारायण वर्मा है, इसका जो भी विरोध करता है और उसका मैंने विरोध किया है तो वो हमेशा धमकी देता रहता है। उसका कुछ भी चीज़ का विरोध करूं तो धमकी देता रहता है। किस चीज़ का विरोध किया भैया आप? मैंने जो मतलब जितने भी दो नंबर काम करता है, गो तस्करी और पत्थर अपने स्वयं के वाहन से ढोता रहता है और नकड़ी अकड़ी कटवाना उसका धंधा है, फॉरेस्ट में खदान है उसकी, तो इस चीज़ का हम लोगों ने कपिल मिश्रा जी ने और मैंने विरोध किया तो वो जान से मारने की धमकी देता है। और एक आईडियो भी है मेरे पास जो उसने गाली गलौच दी है मेरे को। ये प्रेम नारायण वर्मा फॉरेस्ट गार्ड है, कहाँ पर है? ये मलघन में पद है। क्या चाह रहे हो? धमकी देता है जान से मारने की और कल के दिन मेरे परिवार को या मुझे कुछ भी दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेदार प्रेम नारायण वर्मा होगा। नहीं, आपका नाम क्या भैया? खेमा बंजारा। खेमा बंजारा जी, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आईडियो वायरल किया था, इसकी वजह से कई बार वो गाली दे चुका है। कौन कौन? प्रेम नारायण वर्मा। अच्छा, जो फॉरेस्ट गार्ड जी, धमकी दे चुका। धमकी द्वारा आपने क्या कदम उठाया? इसी बारे में गो तस्करी के बारे में गाली गलौच किया और बोले देख लेंगे, जान से मारने की धमकी भी दी है कई बार उसने। ऑडियो आपने वायरल किया था? जी, कपिल मिश्रा जी ने और मैंने। ज्ञापन इस बात का किया गया है कि शाहनगर तहसील क्षेत्र के बोरी ग्राम के आसपास और रेफरा तहसील क्षेत्र के मलघन ग्राम के आसपास रातों रात मवेशियों को, गऊओं को इकट्ठा करके ट्रक में लोड करके वो जबलपुर कटनी के लिए भेजा जाता है और वहीं स्थानीय लोग भी कुछ कहते हैं कि वहाँ काटते हैं, मांस बेचते हैं। तो चूँकि इस बात को लेके तमाम यहाँ से रेफरल तक हर ग्राम में जनता में भारी आक्रोश है, निवेदन है शासन से, मांग करती हैं कि इस पर तत्काल लगाम लगाई जाए, रोक लगाई जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई भी की जाए। जैसे अभी बैगमा के एक दो लोग पकड़े गए हैं, शायद पुलिस ने कार्रवाई करके जेल भेजा है, बाकी लोग और भी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। उसमें कुछ कर्मचारी वर्ग भी है, जैसे वहाँ मलघन में प्रेम नारायण वर्मा कोई फर्स्ट गार्ड है, वो खुलेआम धमकी देता है कि हम देख लेंगे, जान से मार देंगे। पत्थर के क्षेत्र में चाहे वह मलघन, बोरी, रेगवा, आपका तिदनी, आए दिन गो तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर हम सभी पूरे क्षेत्र के हिंदू समाज संगठनों ने यह आज ज्ञापन के माध्यम से शासन और प्रशासन को यह चेताया है कि अगर 3 दिवस के अंदर जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती तो अंजाम के लिए चाहे हम लोगों का कुछ भी हो, हम लोग रोड पर बैठेंगे,
और इस पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।